सोचो अगर आपने एक फ्लाइट टिकट बुक की और कैब या मेट्रो लेने की जगह आपको एयरपोर्ट से बस पिकअप करने आए बिल्कुल स्कूल टाइम की तरह और एयरलाइन वाले फ्री में ये सर्विस थे। और वैसे तो इतिहाद एयरवेज के इस बस में लेगरूम और फैसिलिटीज मुझे इंडिगो से भी ज्यादा अच्छे लगे। बस में आपको लगेज ऑब्वियसली फ्लाइट से ज्यादा ले जाने के लिए अलाउड था क्योंकि यहाँ पे कोई आपका वेट मेजर नहीं करता है और बस के अंदर आपको फ्री वाईफाई मिलती है जो कि बहुत ही बड़ी एडवांटेज थी। और बस शुरू होने से पहले ही सज्जन पुरुष ने हम सभी को ठंडे पानी की ग्लास दी और मुझे लगा शायद ये आइसक्रीम भी देने वाले हम लोगों को। बस के चलते ही बहुत स्पीड पकड़ ली थी बस ने तो मैंने फटाफट सीट बेल्ट लगा लिया क्योंकि प्रोटेक्शन अपने हाथ में और हमेशा लेना चाहिए। और क्योंकि बस मोस्टली खाली थी और कोई आसपास बात करने के लिए भी नहीं था तो मैं बाहर नजारे देखने लगा और बाहर देखते मैंने एक चीज रियलाइज की कि यहाँ पे कितनी सारी खूबसूरत बिल्डिंग है, चाहे वो म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर हो, चाहे वो दुनिया का सबसे महंगा फोटो फ्रेम, बेसिकली दुबई फ्रेम। और बाहर मुझे ये पल्सर चलाते हुए भैया भी दिखे, अपने घर को छोड़ के जाते हुए मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था। जी नहीं, मैं बुर्ज खलीफा की नहीं, इस बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ जहाँ मैं रहता हूँ। और एक चीज जिसकी बिल्कुल भी आदत नहीं है मुझे, दुबई से बाहर निकलते रेगिस्तान देखने को मिले क्योंकि बस बहुत तेज चल रही थी तो इन भैया को दरवाजे में बैठा दिया था ताकि कोलकाता वाले बस की तरह दरवाजे पे ना लटक जाए।